मेरे प्रिय दोस्तों साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हो स्क्रीन पर ट्विन टावर्स के जो नोएडा स्थित थी है नहीं, भ्रष्टाचार का ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस टावर को डिस्ट्रॉय करने का और आज 9 सेकंड के अंदर इस टावर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया, ब्लास्टिंग किया गया और उसके ऊपर बहुत सारे खर्च भी किए गए। मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों इतनी कीमती, जो कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा हो, उस टावर को गिरा दिया गया। तो बहुत सारी बातें मन में आती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो आज हमारे इंडिया में सीखने को मिलता है, एक सबक मिलता है कि क्या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी चीज़ को किस तरह से गिराया जाए। देखिए, आप बिल्कुल स्क्रीन पर देख रहे हो किस तरह से 31 मंजिल बिल्डिंग पूरे ध्वस्त हो गई और जो गुब्बारा है, जो डस्ट है, वह किस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। तो आज एक चीज़ सीखने को मिला। अब आगे क्या होगा वो तो मैं पूरे नहीं बताऊंगा, बस वीडियो मैंने ये बताने की कोशिश किया कि एक इतनी बड़ी इमारत को टेक्नोलॉजी बेस पर किस तरह से गिराया जा सका। तो यह एक मैंने एजुकेशनल वे में बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी टावर, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो एक टावर के रूप में थी, ट्विन टावर थी, ट्विन मिस होता है जुड़वा, यानी दो एक साथ अगल बगल में थे और एक में एक तला ज़्यादा था, एक मंजिल कम थी, लेकिन गिरा दिया गया। बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखें और देखें किस तरह से पूरा बिल्डिंग धराशाही हो गई। और अंत में यही बोलूँगा कि बिल्डिंग धराशाही नहीं हुई बल्कि भ्रष्टाचार से जो बनी हुई बिल्डिंग थी वह धराशाई हो गई।